तो गाइस चाय ब्रेक का ना बहुत सारा आउटलेट है कोलकाता में, राजा हाट में, भवानीपुर में, काफ़ी सारा है, पर ये फर्स्ट टाइम हावड़ा में खुल रहा है और हावड़ा में मैं रहता हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम कैंपेन के लिए आया था। नमस्ते दोस्तों, अगर आप हावड़ा, सलकिया, पिलखाना या फिर गोलावाड़ी वाले एरिया से देख रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत सही जगह लेके आ चुका हूँ मैं, जहाँ पर आप हैंग आउट कर सकते हो दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ और अपने फैमिली के साथ भी। तो वेलकम टू चाय ब्रेक हावड़ा। सो गाइस, ये चाय ब्रेक का एंट्री है और काफ़ी अच्छा है, इन्होंने काम किया अपने एम्बियंस पे और दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको लोगो मिलेगा और यहाँ से एंट्रेंस है, तो चलिए दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या है। तो गाइस ये एक एरिया है इनका और इधर फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हो, ये वाला एरिया। तो गाइस ये सेगमेंट जो है, ये हुक्का वाला सेगमेंट है, वहाँ पर कहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आप हुक्का हुक्का ले सकते हो। और ये जो सेगमेंट है ना, यहाँ पे आप हुक्का और हुक्का पी सकते हो। इनका सेगमेंट अलग किया हुआ है, जैसे बाहर वाले सेगमेंट में आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हो, क्योंकि हुक्का में हर कोई कम्फर्टेबल नहीं होता है। तो ये सेगमेंट जो है, ये पूरा इसमें आप हुक्का हुक्का सब पी सकते हो। एंड इसका भी बहुत अच्छा इंटीरियर है और ये बेसिकली जो कपल्स है और जो फ्रेंड्स है वो आ सकते हैं। एक और सेगमेंट है ये पीछे, ये भी काफ़ी बड़ा सेगमेंट है और यहाँ पे भी आप हुक्का वगैरह पी सकते हो। तो मोस्टली चाय ब्रेक काफ़ी पॉपुलर है, बट उसमें हुक्का भी लोग बहुत पीते हैं, जिन्होंने एक सेगमेंट को रख दिया अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, और बाकी दो सेगमेंट में आप कुछ भी कर सकते हो लाइक। और इन्होंने सेगमेंट डिवाइड कर दिया, जैसे यहाँ का सेगमेंट जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए है, और ये वाला जो सेगमेंट है ये आप किसी के साथ भी, फैमिली के साथ भी बैठ सकते हो अगर वो हुक्का पीते हैं, क्योंकि आपके आसपास अगर हुक्का पी रहे होंगे तो बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए जिसको हुक्का नहीं चाहिए वो अपना वो वाले उस वाले सेगमेंट में जाके बैठ सकते हैं, पर जिसको हुक्का कैसे एंजॉय करना है वो इस वाले सेगमेंट, और एक सेगमेंट है वो ये वाला सेगमेंट, आप ये वाले सेगमेंट को भी एंजॉय कर सकते हो। ये भी एक हुक्का वाला सेगमेंट है। एंड गाइस वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल आवर इंडियंस, क्योंकि हमने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है 13 साल बाद, जो कि कभी कोई सोच नहीं सकता था। इंडिया वर्ल्ड कप अनबीटन वर्ल्ड कप जीत गया, और हम लोग के कैंपेन के वजह से, बिकॉज हम लोग एक दिन पहले कैंपेन किए थे कोलकाता पार्क स्ट्रीट में, इंडिया वर्ल्ड कप जीते जिससे। तो गाइस दिस इज अ स्मोकिंग एरिया, बहुत लोग को आदत होता है ना कि खाते खाते स्मोक करें एंड ऑल, तो यहाँ पे आके आप स्मोक कर सकते हो। तो ये एक अलग से एक एरिया भी बना के रखा है इन्होंने। अभी मेन्यू आना स्टार्ट हो गया और ये काफ़ी सारे मेन्यू लाएंगे, बिकॉज इंस्टाग्राम का कैंपेन चल रहा है, डिशेस मेन्यू सॉरी बहुत सारे डिशेस आ गया, तो हमारे इंस्टाग्राम कैंपेन में लगभग ये फुल हो जाएगा। क्या लगता है कमा? हाँ फुल हो जाता है लगभग, और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें हमें। और ये भैया चाय ब्रेक के साथ आ गए एकदम, भैया ये चाय ब्रेक है तो कॉफ़ी मंगवा सकते ना यहाँ पे। तो गाइस मेन्यू ऑलमोस्ट आते जा रहा है और काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है दिखने में, तो अभी पूरा आ जाएगा तो मैं दिखाऊंगा आप लोग को। सो गाइस अभी और भी दो तीन डिशेस आने वाले हैं, तो फिलहाल के लिए अभी इतना है। सो रियली एक्साइटेड फॉर दिस एंड ट्राई करके बताओ। काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, वैसे तो ठंडा हो गया बिकॉज शूट कर रहे थे, पर टेस्ट काफ़ी अच्छा है, थिन क्रस्ट है और चीज़ अच्छा है, ब्रोकली है, रियली नाइस। ऑन टू द सेकेंड डिश एंड पनीर गार्लिक ब्रेड, बहुत अमेजिंग है और पूरा घर वाला फ्लेवर आ रहा है, एंड इंडियन यहाँ का बेस्ट है, तो अगर आप आ रहे हो ना तो इंडियन को जरूर ट्राई करना। सो गाइस लगभग सारे फूड काफ़ी अच्छे हैं एंड अब पिज़्ज़ा ट्राई किया मैंने, पनीर भी ट्राई किया, एवरीथिंग इज़ नाइस। तो एक प्रॉपर एम्बियंस के साथ अगर आप एक कैफ़े ढूंढ रहे हो हावड़ा एरिया में, तो आप चाय ब्रेक में आ सकते हो, और चाय ब्रेक में आके इनका इंडियन और इनका पिज़्ज़ा जो भी आपको ट्राई करना आप कर सकते हो। तीन अलग अलग सेगमेंट है फैमिली फ्रेंड्स के लिए, यहाँ पर हुक्का पी सकते हो, और एक सेगमेंट है जहाँ पर हुक्का पी सकते हो, तो हर तरह का चीज़ है यहाँ पर। तो अगर आप हावड़ा या हावड़ा से कोलकाता से भी आ सकते हो, तो अगर आप देख रहे हो आसपास में कहीं ये वीडियो, तो यहाँ पे आके जरूर चेकआउट करना है इस कैफ़े को, एंड मेरे तरफ से तो फुल रिकमेंडेड है, एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और हमारे इंस्टाग्राम रील को भी फॉलो करना, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना हमें। नाइस
पिज्जा थोड़ा ठंडा हो गया है, इसको ट्राई करते हैं। पिज्जा का टॉपिंग बहुत ही अच्छा है, उसमें चीज़ जो अभी भी बेस्ट है, ठंडा होने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, इसको ज़रूर ट्राई करना। हो गया सूट हो गया डन चाय ब्रेक के साथ, एंड ऑल इन वन में यही बोलूँगा कि अगर आपको हावड़ा में कुछ एक नया टाइप का कुछ एम्बियंस चाहिए हुक्का पीते पीते, देन यू कैन कम हियर। सो गाइस काफ़ी दिनों बाद हमने लॉन्ग वीडियो शूट किया चाय ब्रेक के लिए। सो गाइस यहाँ से वो पिलखाना आ जाएगा इस एरिया से, और इधर से ये रहा चाय ब्रेक, और ये वाला रास्ता जो है गोलावाड़ी पुलिस स्टेशन के तरफ रहेगा। इधर जाओगे तो गोलावाड़ी पुलिस स्टेशन आ जाएगा, और इधर राइट में हावड़ा एसी मार्केट, तो ये चाय ब्रेक सेंटर में है बिल्कुल। तो गाइस यहाँ पे वैले पार्किंग भी अवेलेबल है, तो अगर आप बाइक या गाड़ी से आ रहे हो तो वैले पार्किंग हो जाएगा। और यहाँ पे देखो फैमिली डाइनिंग, प्राइवेट डाइनिंग और स्मोकिंग एरिया तीनों मिलेगा आपको। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, वहाँ पर हमारा रील्स का कैंपेन चलता है, आज भी रील्स का कैंपेन था पर हम आपके लिए चाय ब्रेक को कवर किए फॉर यूट्यूब वीडियो, जिससे आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन मिले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, कीप वॉचिंग बेकार बंदा, साइनिंग आउट।